देश के जनपद लखीमपुर खीरी में ग्राम प्रधान संतराम अपनी दबंगई के दम पर प्रधानी चला रहे। सरकारी मानक व पात्र अपात्रों को दरकिनार करते हुए प्रधान व सेक्रेटरी की मिलीभगत से अवैध तरीके से काम किया जा रहा है, जिसके चलते ग्राम विषयों में काफी रोष व्याप्त है। जब हमारे संवाददाता ने गाँव का मुआयना किया तो वहाँ पर ग्रामवासियों ने बताया कि प्रधान उन लोगों को प्रधानमंत्री आवास मुहैया करा रहे हैं, जो 25,000 से 30,000 रुपए सुविधा शुल्क मुहैया कराते हैं। हम लोग गरीब हैं, मजदूरी करते हैं, इतना पैसा कहां से लाएंगे? प्रधान को देकर प्रधानमंत्री आवास बनवा सकें, इसके लिए उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। शौचालयों में भी 2,000 सुविधा शुल्क वसूला जा रहा है। उसके बाद ग्रामीण अपनी शिकायत को लेकर जब प्रधान के पास जाते हैं तो प्रधान सुनता नहीं है, किसी प्रकार से कोई भी काम नहीं कराते। देखा जाए भ्रष्टाचार पूरी तरह से व्याप्त है, किसी भी प्रकार से कोई भी कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। तुम इधर आओ। अरे भाई साहब, ये कौन सा गांव है? बुलेरिया प्रवस्त नगर। चल आओ, ब्लूटूथ चल रहा है। बुलेरिया प्रधान यहाँ का कौन है? संतराम। संतराम, आपकी कॉलोनी बनाई है क्या? जी बनी हुई है। कुछ पैसे ऐसे ले रहे हैं? 20,000 रुपए लिए पर हेड, पर कॉलोनी पे 20,000 ले रहे हैं। और आप भैया? हमारा नाम जगदीश सनाथ हरनलाल और मैं इतने गरीब परिवार का हूँ, जिससे हमारे 4 भाई हैं और मजूरी करते हैं, परंतु हमारे लिए तो आवास तो दूर रहा, लेटरिन भी प्रधान नहीं बनवा रहे हैं। अगर उनसे कहा गया तो ये कहते हैं कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे नाम ज़मीन करवा दी है क्या? जब ज़मीन करवा देंगे तभी हम आपका जो तो पापा के नाम जमीन के तो? पापा के नाम 5 बीघा 8 जमीन, 4 भाई। 3 एकड़ तक वैलिड है ना? 5 बीघा 3 एकड़ तक कॉलोनी बनना, नहीं 3 एकड़ तक कॉलोनी बनना वैलिड है। 5 बीघा 3 एकड़ में चीज है, इसमें हम 4 भाई हैं, इसीलिए हमारा कुछ नहीं बन पा रहा है। आपका भैया? हमारे पास कुछ नहीं है। कोई कॉलोनी? वही कॉलोनी। मकान कैसा आपका? मेरा मकान, हमारे पास कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं है? कुछ नहीं, तब भी कुछ नहीं दिया? पिताजी ने निकाल दिया घर से। अच्छा अच्छा। भैया आप क्या? तुम कहाँ? कॉलोनी में हमारी गरीब आदमी, लेकिन हमने जब कहा है लेटरिन के लिए, कॉलोनी के लिए, क्या लड़कों के नाम ज़मीन करवाई थी कि कॉलोनी हो और वो बनवाएगी लेटरिन? अच्छा। माता जी आपका? क्या करें साहब, गरीब हैं, अब कॉलोनी है, एक ईंटे हमारी लेटरिन है, बनवाई नहीं है। मकान कैसा, कच्चा है पक्का बना? मड़ैया पड़ी, तब भी नहीं प्रधान दे रहा है? पैसे मांग रहा है क्या? हमने कई प्रधान जी दवाई दो, हमारी बनाए दो, लेटरिन बनवा दो, कई अब बहुआ ने क्यों लौड़िया की आँखी दिखावा तो बनवाई दे, ऐसे कह रहे? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है भैया। और कोई, और कोई है जिसका नहीं कुछ बना है? ये विकलांग भैया, आपका ये पैर कैसे खराब हुआ? हमारा एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट हुआ, प्रधान ने आपको कुछ दिया? कुछ नहीं दिया। आपका मकान कैसा है, कंडीशन? पन्नी डाले रह रहे हैं, देख रहे हैं। अच्छा, आपके सर्वे नहीं हुए? नहीं हुई ना सर्वे? तो आप कॉलोनी चाह रहे हो? कॉलोनी बने साहब, ऐसे पन्नी डाले रहा। आप पात्रता, पात्रता में तो आ ही रहे हो, पात्रता में? भैया आपके कॉलोनी में कितने रुपए वसूले गए? 25,000। तो जो 25 या 30,000 रुपए देता उसी की कॉलोनी बनती है? बनती लोग दे नहीं पा, जो कहते हैं जिनके पास कुछ नहीं है उनको कहाँ देते हैं? अच्छा अच्छा, उनको देते ही नहीं है, यानी पैसे वाले को कॉलोनी दे रहे हैं? कहाँ बनी भैया आपकी? हमारी झोपड़ी पड़ी है, खताई कटाई, कहीं तुम्हारी कॉलोनी हमारी बनवाते नहीं, रुपया वाले बनवा, जो रुपया दे तो उसकी बनवाई। चलो आप लोगों घरों की बाइट लेते हैं क्या? और हमारा घर देख लो साहब पहले, और जो हम पूरा सिराज भाई पूरा वीडियो ले लो इनका, पूरा भैया का, बस इतनी बाइट बहुत है दिखा। और लेटरिन लेटरिन में कोई अनियमितता है? लेटरिन अगर बनी है ना, नहीं जो बनी है उसमें तो पैसे से नहीं लिए गए? कुछ नहीं करना है, लेना ही तेरे बेवकूफ। 2,000 रुपए तो चल ही रहा पर हेड भाई, हमें तो नहीं, कहने का मतलब है। अरे भैया सामूहिक बता दो, सामूहिक बता दो, सबसे पैसे हैं
नहीं, लेटरिन जो बनी है वो पीला ईंट बनी है, पीला ईंट कहाँ से रखी है? अच्छा पीला गड्ढा है। नहीं, प्रधान ने अपने आप बनवाई, अपने आप से बनवाई है, जो एक एक गड्ढा कराया है उसके बाद आके देखना, जो अपने आप बनवाई, एक एक खड्डे की है, एक ना 50 दिखाई दे। अच्छा फोटो लो, मैं नजर रही गए। लो भैया इधर राज भाई, भाई पर आओ। नहीं तो बताओ छानी का कितनी। आप पंचायत घर में रह रहे हैं, आपके पास मकान नहीं है क्या? पंचायत घर में रह रहे हैं और प्रधान ने आपको नहीं दिया अभी मकान? सारा देते हैं, आज बनवाई थी, भर अच्छा, जिनके कोई पक्के मकान है उनकी भी कॉलोनी कोई इशू हुई? कौन लोगों की बनी है? नाम लेके बताओ किसकी कॉलोनी दो बनी है जो पक्के मकान वाले? भैया आप बताओ। एक नरवीर बनी, उनके पास राइफल है, ट्रैक्टर सब कुछ है, उनकी कॉलोनी बनी है नरवीर की। हाँ, एक जय राजा राम है, इनका ट्रैक्टर है, पक्का मकान सब कुछ है, उनकी भी बनी। एक उनके तिर बंदूक है केसरी के पास, उनकी भी बनी है। दीनदयाल के पास दुई कॉलोनी बनी है, जो मोटर कनेक्शन है। पंडित जी, और जब बिछा बिल्कुल भैया उनका भी होगा, वो केंद्रीय मामला है। और गुटकाई भी ट्रैक्टर उनके पास है, उनकी भी कमरा बनाया मकान भी बने। असल ज्यादा जगह टूटने कुछ मकान ऐसे हैं जो हमारी बीमा सूची में हैं, जो जिनके मतलब पात्र नहीं हैं, पांच पांच एकड़ जमीन जोता है उनकी तक है। एक बिचारा एक और जो इनका बना मकान है। टीवी इंडिया न्यूज के लिए कमलेश तिवारी की रिपोर्ट, खीरी। पीलीभीत के SDM व पुलिस क्षेत्राधिकारी YSO ने कलीनगर में बैठक कर शराब के दुष्परिणाम बताकर लोगों को जागरूक किया। शराब से होने वाली हानियों के बारे में विस्तार से बताया। बैठक में कई लोगों ने शराब न पीने की बात भी कही। मैं आपको बता दें कि रविवार शाम कलीनगर SDM जंग बहादुर यादव, पुलिस क्षेत्राधिकारी कमल सिंह, माधोटांडा थाना प्रभारी उमेश कुमार सोलांकी व कलीनगर चौकी प्रभारी बालक राम ने कस्बे के वार्ड नंबर 1 में कच्ची शराब के दुष्परिणाम बताकर जन जागरूकता बैठक का आयोजन किया। बैठक में सैकड़ों लोग मौजूद रहे। TV1 इंडिया न्यूज के लिए नवीन अवस्थी की रिपोर्ट, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को मुरादाबाद के दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने सरकारी अस्पतालों का जायजा लिया। लेकिन इस दौरान खामियों को छुपाने के लिए जिला प्रशासन ने जो कदम उठाया उसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। दरअसल सेवाओं में कमी और खामियों को लेकर पत्रकार मुख्यमंत्री से सवाल न पूछ लें, इसलिए मुरादाबाद के DM राकेश कुमार सिंह ने दर्जनों पत्रकारों को एक कमरे में बंद कर दिया। दरअसल मुरादाबाद के DM पर आरोप है कि जब CM योगी अस्पताल का दौरा करने वाले थे उससे ठीक पहले DM राकेश कुमार सिंह अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में दर्जनों मीडिया कर्मियों को बंद करवा दिया। इतना नहीं, उस दरवाजे के भीतर सिविल लाइन थाना के प्रभारी शक्ति सिंह को भी निगरानी के लिए लगा दिया, ताकि कोई भी पत्रकार CM के दौरे के दौरान बाहर ना निकल सके। हालांकि मुरादाबाद के जिला अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने इस पूरे मामले पर सफाई देते हुए कहा कि निरीक्षण के दौरान वार्ड के अंदर कई मीडिया कर्मी आ गए थे। हमने मीडिया कर्मियों से अनुरोध किया कि वे माननीय CM के वार्ड के अंदर न जाएं, क्योंकि यह मरीजों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं था। केवल पुलिस कर्मियों को कॉरिडोर में रखें ताकि निरीक्षण CM महोदय द्वारा शांतिपूर्वक किया जा सके। लेकिन निरीक्षण पूरा होने के बाद प्रस्थान करने से पहले मीडिया कर्मी वहां मौजूद थे। ये सोचने की बात है कि 1975 की इमरजेंसी में बंद होने का अनुभव पत्रकारों के लिए अलग होगा, लेकिन 2019 में भी पत्रकारों को इमरजेंसी में बंद किया गया, लेकिन यह अस्पताल की इमरजेंसी में बंद किया गया। उत्तर प्रदेश में इमरजेंसी लागू नहीं है, लेकिन फिर भी मुरादाबाद के जिला अस्पताल के कमरे में बंद कर दिया गया। कुछ ही दिन पहले BJP के एक नेता कैलाश विजयवर्गीय ने News24 के पत्रकार को बोला था कि तुम्हारी औकात क्या है। खैर, मुरादाबाद में पत्रकारों से इस तरह के ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो नहीं किए गए, लेकिन उन्हें जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के कमरे में बुलाया गया और बंद कर दिया गया। कमरे में बंद करने का आइडिया DM राकेश कुमार सिंह से पहले किसी ने नहीं सोचा होगा। दरअसल अस्पताल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा चल रहा था, जिससे एक लाभ यह हुआ कि मुख्यमंत्री से सवाल करने से बच गए। यहाँ अस्पताल की खराब व्यवस्था पर पूछे जाने वाले सवाल उसी कमरे में बंद रह गए जहां उन्हें बंद कर दिया गया था। करीबन एक दर्जन से ज्यादा पत्रकार
अधिकार कमरे में बंद किए गए। वह हिंदी प्रेस फ्रीडम के मामले में भारत का 180 देशों में 140वें नंबर पर है। उम्मीद कीजिए कि अगले साल प्रमोशन होकर 142 स्थान पर आ जाएगा। वहीं जिला अधिकारी का कहना है कि ये सारे आरोप निराधार हैं। अब क्या पत्रकार अपने बंद किए जाने की खबर के निराधार लिख रहे हैं? ऐसी स्थिति अब आ गई है। T1 इंडिया न्यूज के लिए मोहम्मद सलमान की रिपोर्ट, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जनपद हरदोई के विकास खंड आयरोडी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत बदौली सूबे की योगी सरकार भ्रष्टाचार को मुक्त करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में काबिज हुई थी, लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ चढ़कर उत्तर प्रदेश में काबिज हुआ है। कम होने की वजह और अधिक बढ़ गया है। ये अब तो निडर होकर कहते हैं कि योगी सरकार है, देखते हैं कुछ विकल्प करते हैं, और जांच अगर किसी की होती है तो जांच के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति की जाती है, रिश्वतखोरी, इसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा है। शौचालय का निर्माण की अगर हम बात करें तो आवासों को लेकर या फिर पुलिस विभाग या फिर राजस्व विभाग हो या फिर विकास विभाग हो या फिर पंचायत विभाग, हर जगह रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। चाहे वह छोटा कर्मचारी हो या फिर बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, हर व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुका है। सिर्फ सरकार की हवा हवाई बात बनकर रह गई है। प्रधान ने अपने मनमाने तरीके से लाभार्थियों के खाते से किस्त निकलवा कर स्वयं शौचालय बनवाने का जिम्मा लिया। तो वहीं गाँव वालों का कहना है कि प्रधान द्वारा लेबर व राजमिस्त्री को ठेका देकर शौचालय बनवाए गए, ठेकेदारों द्वारा शौचालय का निर्माण कराया गया और हमसे बैंकों से पैसा ले लिया गया। और प्रधान ने कहा कि हम सभी लोगों का शौचालय बनवा देंगे, लेकिन गांव में आज तक किसी के पूर्ण रूप से शौचालय नहीं बने हैं, जिसके चलते किसी के गड्ढे खुदे पड़े हैं तो कहीं पर प्लास्टर व सीट नहीं रख पाई है। गांववासी बाहर शौच करने के लिए जाने को मजबूर है, लेकिन फिर भी किसी प्रकार से कोई सुनवाई उनकी नहीं हो रही। तो एक तरफ देखा जाए तो भारत स्वच्छ भारत मिशन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही। क्या नाम आपका है, कहाँ के रहने वाले हो? बदौली के रहने वाले हैं। कहाँ? नाम क्या है? लाल जी। ये बताइए, शौचालय लेकर क्या समस्या है आपको? शौचालय अभी तक आपके ग्राम पंचायत में शौचालय क्यों अधूरे पड़े हैं, इसका क्या कारण? अधूरे भाई प्रधान जान से हम लोग खोदे हैं, जिसे बनाओ उनके पैसा वही लिए। पैसा उन्होंने लिया? पैसा हमका लोगों ने मिले तो बने अपना ही बना। किसी को पैसा नहीं दिया, सबको प्रधान अपने थ्रू से पैसा, पहले वाले पैसा अपने अपने निकाल रहे हैं। वकील वाले नहीं मिले तो शौचालय ये अभी तक क्यों नहीं कंप्लीट हो पाए? अब भाई प्रधान जाने में को कौन वही जाने हुए तो मालिक हैं, और कोई घाट। इंडिया न्यूज के लिए राकेश मिश्रा के साथ संदीप शुक्ला की रिपोर्ट, हरदोई।